हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कवर कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, और जब बात लॉ एंड ऑर्डर की आती है तो ऑब्वियसली उसमें पुलिस सिस्टम का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन पुलिस के बारे में। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर इंडियन पुलिस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। पुलिस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी का जो आम जनता से काफ़ी टच में रहता है। अगर आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बाकी ऑफिस की बात करें, तो शायद एक आम सिटीज़न या कह सकते एक आम नागरिक उतना ज़्यादा टच में ना रहता हो। लेकिन पुलिस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सोसाइटी के काफ़ी लोग या कह सकते सोसाइटी का जो आम नागरिक है वो टच में रहता है। पुलिसमैन या पुलिस एक विजिबल रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है गवर्नमेंट का। विजिबल रिप्रेजेंटेटिव से हमारा मतलब है गवर्नमेंट का वो ऑर्गन या वो रिप्रेजेंटेटिव जिससे हम जुड़ सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, हमारे जो कंसर्न हैं, जो प्रॉब्लम है वो जा करके हम उन्हें बता सकते हैं। डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट होता है वो आपको इस सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। द पुलिस आर एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट एक्सेसिबल, इंटरेक्टिव एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी सोसाइटी। वाई? बिकॉज बहुत सारी इस प्रॉब्लम होती है, खास करके अभी अगर आप देखें 21st सेंचुरी में तो लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसको एक्सपेक्ट किया जाता है दैट इट शुड बी द मोस्ट एक्सेसिबल, इंटरेक्टिव हो, ऐसा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए उनका ताकि सिटीजन्स जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम उन तक अच्छे से बता सकें। इंटरेक्टिव होना चाहिए एंड डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मतलब ये है कि 20th या 19th सेंचुरी की आइडियोलॉजी और 19th सेंचुरी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से इस ऑर्गेनाइजेशन को काम नहीं करना चाहिए। जो चेंजिंग सोसाइटी की नीड्स हैं उनके हिसाब से पुलिस को काम करने की ज़रूरत है। अगर हम इस वर्ड की बात करें, पुलिस वर्ड की, इट हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ मीनिंग। अगर हम नैरो सेंस में अगर हम बात करें इसकी, सो पुलिस वर्ड को यूज़ किया जाता है टू डिनोट द स्पेशल मशीनरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। जो हम समझ पाते हैं पुलिस से हमारा मतलब होता है एक ऐसी मशीनरी जो ऑर्डर को मेंटेन करने के काम आती है, साथ ही साथ जो क्राइम होते हैं उनको प्रिवेंशन एज वेल एज उनको डिटेक्ट करने में भी ये पूरी मशीनरी जो है वो काम करती है। इसके अलावा बात करते हैं हम जो पुलिस है, आज जैसी पुलिस आप देख पा रहे हैं, इट इज़ अ क्रिएचर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। अगर आपने NCERTs पढ़ी हैं या फिर अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो सेकेंड क्वार्टर रहा 19th सेंचुरी का वो इंग्लिश सोसाइटी के लिए वो कैसा था। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो वो जो पुलिस है उस सिचुएशन से डील करने के लिए बनाई गई थी, वही पुलिस जो है आपको आज के दिन भी देखने को मिल जाएगी। यही है ना कि डायनामिक नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक डिमांड करता है आज का टाइम की पुलिस जो है वो डायनेमिक होनी चाहिए, बट है नहीं। सो द लोकेशन ऑफ ओरिजिन रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एट दैट टाइम फर्दर एडवांस्ड अलॉन्ग द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एज एन अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी देन अदर स्टेट्स। यानी कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सोसाइटी के अंदर इसका ओरिजिन हुआ क्योंकि जिस जगह पर इसका ओरिजिन होता है पुलिस सिस्टम का, वो ये फैक्ट रिफ्लेक्ट करता है कि इंग्लैंड जो है वो बाकी सोसाइटीज़ के मुकाबले डेवलपमेंट पाथ के ऊपर या कह सकते हैं कि ग्रोथ या डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा एडवांस था या थोड़ा आगे था। सो इन ड्यू कोर्स द मॉडल वॉज अडॉप्टेड एल्स एवरीवेयर एल्स विद सर्टेन मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड बाई डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के अंदर भी अडॉप्ट किया गया, राइट? आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि इंडिया के अंदर पुलिस सिस्टम को आज जैसा है पुलिस सिस्टम, उसको डेवलप करने का या उसको इस्टाब्लिश करने का सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसे दिया जाना चाहिए, राइट? और इंग्लैंड में ये चीज़ क्यों डेवलप हुई, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत वहीं से होती है। तो मॉडर्न पुलिस का एक जो आपको ओरिजिन समझना चाहिए वो इंग्लिश सोसाइटी से, ब्रिटिश सोसाइटी से आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, पुलिस इज अ सब्जेक्ट गवर्न बाय स्टेट। 7th शेड्यूल के अंदर पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है, बट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारी एजेंसीज हैं। कुछ स्टेट के अंडर काम करती हैं, कुछ सेंटर के अंडर काम करती है, लेकिन जब हम बात करते हैं पुलिस की तो पुलिस आपको पता होना चाहिए ये स्टेट लिस्ट में आता है। दैट मीन्स हर एक स्टेट की अपनी एक पुलिस होती है। डेफिनेटली एवरी स्टेट हैव देयर ओन पुलिस फोर्स।
द सेंटर इज ऑल्सो अलाउड टू मेंटेन इट्स ओन पुलिस फोर्सेज टू असिस्ट द स्टेट विद इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर. जैसे मैंने आपको बताया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, सेंटर की भी, स्टेट की भी. स्टेट की पुलिस है, तो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेंटर अपनी एजेंसीज, अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एजेंसी हैं, वो असिस्ट स्टेट्स को असिस्ट कर सकती हैं. वो एजेंसीज स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में काम करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है. सो देयरफॉर इट मेंटेन्स 7 सेंट्रल पुलिस फोर्स एंड सम अदर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क सच एज इंटेलिजेंस गैदरिंग, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च एंड रिकॉर्ड कीपिंग एंड ट्रेनिंग. इन सारी जो सेंट्रल पुलिस फोर्स हैं उनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे. पर ध्यान रखिएगा कि डेफिनेटली सेंटर की भी अलग जो हैं वो एजेंसीज होती हैं टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. सो जब हम बात करते हैं पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स के रोल क्या है, फंक्शन क्या है? द प्राइमरी रोल ऑफ पुलिस फोर्स इज टू अपहोल्ड एंड एनफोर्स लॉज. कानून को लागू करना, कानून को बनाए रखना, अपहोल्ड एंड एनफोर्स. इन्वेस्टिगेट क्राइम्स एंड इंश्योर सिक्योरिटी फॉर पीपल इन द कंट्री. क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, यही सारा काम जो है वो प्राइमरी रोल होता है पुलिस फोर्स का. इसके अलावा भी काफ़ी है. इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया जैसी लार्ज, ठीक है, इतने पॉपुलेशन, ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंट्री के अंदर पुलिस फोर्स नीड टू बी वेल इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल, वेपनरी, फोरेंसिक, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सपोर्ट टू परफॉर्म देयर रोल वेल. और यहाँ पर हमें सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी दिखता है इंडियन पुलिस सिस्टम का, कि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना हमें चाहिए सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक है. हालांकि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या पुलिस रिफॉर्म की बात करेंगे तब उन चीज़ों को देखेंगे. फर्दर दे नीड टू हैव द ऑपरेशनल फ्रीडम टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनली. लाइक आपको पुलिस पॉलिटिक्स नेक्सस बहुत ईजिली देखने को मिल जाएगा इंडियन सोसाइटी के अंदर. उनके पास उतनी ज़्यादा फ्रीडम या ऑटोनॉमी नहीं होती है, खास करके ऑपरेशनल फ्रीडम, ठीक है, कि वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ, एक प्रोफेशनल तरीके से कर पाएँ. और उनको सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशंस भी नहीं मिल पाती हैं. सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन से हमारा मतलब है रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा. यानी कि हम उनको अकाउंटेबल हेल्ड करते हैं, हम उनको जिम्मेदार मानते हैं फॉर द पुअर परफॉर्मेंस एंड मिसयूज ऑफ पावर. लेकिन हम ये फैक्ट देखना भूल जाते हैं कि हमने पुलिस को ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं दी, हमने उनको सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करवाई, हमने उनको वेल इक्विप्ड या नहीं रखा, हमने उनको जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है. फिर बात करते हैं इंडिया के अंदर जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी फंक्शनिंग का एक ओवरव्यू. ओवरव्यू मतलब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट समझेंगे कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इंडिया के अंदर है. स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आती है पुलिस, राइट. सो पुलिस फोर्सेज ऑफ द वेरियस स्टेट्स आर गवर्न बाय देयर स्टेट लॉज एंड रेगुलेशंस. लेकिन उनके जो लॉ होते हैं, स्टेट के लॉ, वो सेंट्रल लॉ पे बेस्ड हैं, विच वन, द पुलिस एक्ट ऑफ 1861. मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताया था कि आज जो हम देख पा रहे हैं, जो मॉडर्न पुलिस सिस्टम है, वो 19th सेंचुरी के देन है, या आपको वैसा ही सिस्टम आज के दिन भी देखने को मिल जाएगा. हमारा ये जो है वो इतना ज़्यादा डायनामिक और जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा सिस्टम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है. ये प्रूफ कर सकते हैं हम अपनी इस बात को कि आज भी हमारे जो कानून बनते हैं, चाहे बेशक स्टेट नए कानून बनाता हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो पुलिस एक्ट 1861 उसको ध्यान में रख करके ही बनाए जाते हैं. स्टेट्स ऑल्सो हैव देयर पुलिस मैनुअल्स डिटेलिंग हाउ पुलिस ऑफ द स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड, देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिकॉर्ड्स दैट मस्ट बी मेंटेन्ड एक्सेट्रा. स्टेट्स के अपने पुलिस मैनुअल होते हैं जिनमें सारे डिटेल दी होती हैं कि स्टेट की पुलिस को कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनके रिकॉर्ड जो मेंटेन किए जाने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके मैनुअल में दी हुई होती है. बात करते हैं हायरार्की एंड ऑर्गेनाइजेशन की. एक चीज़ समझिए कि स्टेट पुलिस फोर्स में जनरली दो सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, दो आर्म्स या टू आर्म्स अगर हम बोलें. फर्स्ट टू डील विद द सिविल केस या सिविल पुलिस,
या दूसरा होता है आर्म्ड पुलिस। सिविल पुलिस का काम होता है टू मेंटेन द डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ओके, एंड आर्म्ड पुलिस को रिजर्व में रखा जाता है, यानी कि जब तक ज़रूरत ना हो एडिशनल सपोर्ट की उनको नहीं काम में लिया जाता है, ठीक है। सो द सिविल पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम कंट्रोल। एंड आर्म्ड पुलिस, आपको पता होगा कि जब भी खास करके कोई राइड जैसी सिचुएशन होती है, कहीं दंगा फसाद होता है, फिर कहते हैं कि पुलिस बुलवाई गई है, रिजर्व फोर्स को बुलाया गया है। इसका मतलब ये है कि आर्म्ड पुलिस को बुलाया गया है, विच इज़ कैप्ट इन द रिजर्व टिल एडिशनल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड इन सिचुएशन लाइक राइड। सो इन दिस सेक्शन वी डिस्कस हाउ सिविल पुलिस इज ऑर्गेनाइज इन आर कंट्री। हर एक स्टेट के अंदर जो फील्ड यूनिट हैं उनमें बांटी गई है पुलिस फोर्स को, क्यों? ताकि हम अच्छे से पुलिसिंग कर सकें। जो फील्ड यूनिट हैं आपकी पूरी जो पुलिस फोर्स है उसको बांटा गया है जोन के अंदर, उसके बाद रेंजेस, देन डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन, सर्कल, पुलिस स्टेशन एंड आउटपोस्ट, ठीक है। चौकी, पुलिस स्टेशन, थाना, सर्कल, सब डिविजन, डिस्ट्रिक्ट, रेंज, जोन, एंड फिर आपका पूरा एक हायरार्की बन जाती है विद इन अ स्टेट। फॉर इंस्टेंस, अ स्टेट विल कंप्राइज ऑफ टू और मोर जोन, ठीक है। हर एक जोन के अंदर दो या दो से ज़्यादा रेंज होंगी, हर एक रेंज को आगे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं एक हायरार्कियल वे में कि पूरा स्टेट का एक सिस्टम है, पूरा एक स्टेट है, स्टेट को काफ़ी सारे जोन में बांटा गया है कि अलग अलग जोन में बांट दिया गया। हर एक, मान लीजिए कि ये हमने कहा ये नॉर्थ जोन है, ठीक है, नॉर्थ जोन को दो रेंजेस में बांट दिया गया, क्लियर। उन इस पर्टिकुलर रेंज को आगे फिर अलग अलग जो सिमिलर या स्मॉलर जो फील्ड यूनिट होती हैं उसके अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, किस लिए? ताकि पुलिस अपना काम अच्छे से कर पाए। देन जो की ऑर्गेनाइजेशन होता है या की फील्ड यूनिट होती है जिससे आप और मैं अवगत हैं, यानी जो हमें पता है, हम अवेयर हैं, वो है पुलिस स्टेशन। नॉर्मली अगर आपको कोई FIR फाइल करनी होती है या कोई और भी अगर इशू है तो नॉर्मली हमारा जिससे आमना सामना होता है वो पुलिस स्टेशन ही है। सो द की फील्ड यूनिट इन दिस सेटअप आर द पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस स्टेशन। अ पुलिस डिस्ट्रिक्ट इज एन एरिया डिक्लेयर्ड सो बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, हम नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, और पुलिस डिस्ट्रिक्ट मतलब वो एरिया जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, डिक्लेयर करती है। सो इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरवाइजरी एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस इन मैटर ऑफ रिलेटिंग टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फोर्स एंड कैरिंग आउट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, पुलिस डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और SP, और SP या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास अपने एरिया में काम करने के लिए उसको ऑटोनॉमी या ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दी गई है, उसको इतनी परमिशन दी गई है कि वो अपने एरिया का जितना भी मैटर है उसको इजीली हैंडल कर सके, खास करके इंटरनल मैनेजमेंट, ठीक है, साथ ही साथ अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो डिसीज़न ले सकता है, इतनी उसको ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस या ऑपरेशनल जो फ्रीडम है वो दी गई है, ठीक है। सो जो पुलिस स्टेशन होता है टिपिकली विच इज़ हेडेड बाय एन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, ओके, एंड द पुलिस स्टेशन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ पुलिस फंक्शनिंग। पुलिस स्टेशन के क्या रोल होते हैं? सबसे पहले FIR लिखवाते हो आप कहाँ जा करके? पुलिस स्टेशन में, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम्स पुलिस स्टेशन में। देन लोकल पेट्रोलिंग, ठीक है, वो ये इंश्योर करते हैं कि कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर को हार्म करने के लिए कोई सिचुएशन क्रिएट न हो जाए, ईव टीजिंग है या फिर कोई और तरीके का क्राइम ना हो, इसलिए वो लोकल पेट्रोलिंग करते हैं। देन अगर कोई FIR फाइल हुई है उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पुलिस स्टेशन के एम्प्लॉयज या जो पर्सनल्स होते हैं वो। देन हैंडलिंग द वेरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कोई स्ट्राइक कर दी गई है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? पुलिस स्टेशन। देन इंटेलिजेंस कलेक्शन एंड इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन इट्स जरिस्डिक्शन, अपने दायरे में, अपने एरिया में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने का काम किसका होता है? पुलिस स्टेशन का होता है। सो पुलिस स्टेशन के अंडर काफ़ी सारी आउटपोस्ट हो सकती हैं फॉर पेट्रोलिंग एंड सर्विलेंस,
मतलब चौकियाँ, ठीक है, ताकि बेहतर तरीके से हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। सिचुएशन ये होती है प्रिवेंटिव स्टेप्स, ठीक है, ताकि सिचुएशन इतनी ग्रेव ना हो पाए, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो पाए कि हमारे लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाए। इसीलिए हमने क्या किया, काफ़ी सारी पुलिस आउटपोस्ट बना दी फॉर द पेट्रोलिंग एंड सर्विलेंस पर्पस। एंड जनरली द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हेड ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स मे क्रिएट एज मैनी एज पुलिस स्टेशन विद द पुलिस आउटपोस्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट एज नेसेसरी इन लाइन विद द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द एरिया एंड द क्राइम सिचुएशन एंड द वर्कलोड। स्टेट गवर्नमेंट जो आपके स्टेट पुलिस फोर्स के हेड होते हैं, जिसको आप डीजीपी भी बोलते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट डीजीपी से कंसल्ट करके चाहे उतने पुलिस स्टेशन बना सकती है, चाहे उतनी चौकियाँ बना सकती है, ये ध्यान में रखते हुए कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया में क्राइम सिचुएशन क्या है, या फिर वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए डीजीपी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डीजीपी से सलाह लेकर के पुलिस स्टेशन और पुलिस आउटपोस्ट बना सकती है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। हमने इंडियन पुलिस का बेसिक स्ट्रक्चर देखा, किस तरीके से काम होता है, खास करके हमने इंडियन पुलिस में जो बेसिक यूनिट होती है आपकी पुलिस स्टेशन, उसके बारे में पढ़ा, पुलिस का ओरिजिन जो टर्म है उसके क्या रोल हैं, क्या किस तरीके से वो काम करती है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ा। लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।